टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के मामले में आखिरकार 15 साल बाद उसके परिवार को इंसाफ मिल गया। इस मामले में कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें आरोपी रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार को हत्या, लूटपाट और मकोका के तहत दोषी करार दिया गया, जबकि आरोपी अजय सेठी को आरोपियों की मदद पहुंचाने और मकोका के तहत दोषी करार दिया गया। ये मामला 2008 का है। 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन देर रात अपने दफ्तर से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। इसी बीच नेल्सन मंडेला मार्ग पर कार सवार कुछ लड़कों ने बेहद नज़दीक से चलती कार में उसको गोली मार दी। इसके बाद उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और वहीं पर रुक गई। आरोपी वहां से भाग गए। करीब 1 घंटे बाद एक शख्स ने PCR कॉल की और बताया कि डिवाइडर के पास एक कार खड़ी हुई है जिसमें एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस को शुरुआत में लगा कि मामला दुर्घटना का है, लेकिन जब सौम्या का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके सिर से एक गोली निकली। इसके बाद इस हत्याकांड की जांच शुरू हुई। चूँकि जहां पर यह हत्याकांड हुआ था उस नेल्सन मंडेला मार्ग पर कोई CCTV कैमरे नहीं लगे थे। कई महीनों तक ये जांच चलती रही, लेकिन पुलिस आरोपियों का कोई सुराग नहीं खोज पाई। इसके बाद अगले साल यानी 2009 में मार्च के महीने में एक और लड़की जिसका नाम जिगिशा घोष था और वो IT प्रोफेशनल थी, वो नोएडा से अपने घर वसंत कुंज पहुंची थी, लेकिन घर के बाहर से ही कुछ लड़कों ने उसको अगवा कर लिया। उसको अपने साथ वो सूरज कुंड ले गए, वहाँ पर उसके ATM से पैसे निकाले, उसे घुमाया और बाद में कार के अंदर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब उस हत्याकांड की जांच हुई तो जांच के बाद पुलिस ने आरोपी जो थे रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, इनको पकड़ा। इन आरोपियों ने पूछताछ में कहा कि पिछले साल उन्होंने एक लड़की सौम्या विश्वनाथन की भी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इनके कबूलनामे के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की और जांच में ये पाया कि जिस पिस्टल से हत्या हुई थी वो कारतूस उसी पिस्टल से निकला था जो कि रवि कपूर के पास थी। उसकी बैलिस्टिक जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई और आखिरकार ये साबित हो गया कि सौम्या को जो गोली लगी थी वो उसी पिस्टल से निकली थी जो रवि कपूर के पास थी। इसके अलावा आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन थी, कुछ और टेक्निकल एविडेंस थी, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई आई विटनेस इस केस में नहीं था। ये मामला फिर कोर्ट में आया और कोर्ट में लंबी सुनवाई चलती रही। कई लीगल जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सामने आई और इसके चलते करीब 15 साल इस पूरे मामले को लग गए, लेकिन तकनीकी सबूतों और इसके अलावा जो सरकमस्टांशियल एविडेंस थे उनके बेसिस पर और जो हथियार की रिपोर्ट थी, जो उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर आज कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सभी मिलकर एक संगठित अपराध ग्रोह चला रहे थे और संगठित तरीके से अपराध कर रहे थे, क्योंकि इन पर पहले के भी कई मामले दर्ज हैं। करीब 8 मामले दर्ज हैं जिसमें 3 मामले अलग अलग हत्याकांड के हैं। तो कोर्ट ने इनको एक संगठित ग्रोह माना और इन सभी को मकोका के तहत दोषी करार दिया है, जिसमें अधिकतम सज़ा उम्र कैद है। अब 26 अक्टूबर को कोर्ट सज़ा पर बहस करेगा और उसके बाद तय होगा कि आखिर इनको सज़ा क्या मिलती है। हालांकि सौम्या के परिवार वाले इस मामले में उम्र कैद की मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।